प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गायत्री के इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे सूरदास का बाल चित्रण। सूरदास ने कृष्ण के बाल चित्रण में किन किन मनोभावों को चित्रित किया है। विषय कहा गया है, सूर ने कृष्ण की बाल क्रियाओं का मनोहर, स्वाभाविक और सूक्ष्म चित्रण किया है। यह अन्यत्र दुर्लभ और कथन एक और है जिसमें कहा गया है कि सूर बाल मनोविज्ञान के पंडित हैं। बाल हृदय की सूक्ष्म से सूक्ष्म व्रति से वे अभिज्ञ हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के कथन, कई प्रकार की समीक्षाएं सूरदास के बाल चित्रण को लेकर के कही गई हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरदास का बाल चित्रण कैसा है। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काल धारा के सर्वश्रेष्ठ या प्रमुख कवि माने जाते हैं। सूरदास ने अपने काव्य में कृष्ण की लीलाओं के रूप में बाल व्रति और यौवन व्रति का निरूपण किया है। बाल रूप के वर्णन में भक्ति और वात्सल्य रसों तथा यौवन से संबंधित श्रृंगार रस का जैसा वर्णन सूर ने किया है वैसा और किसी ने नहीं किया। सूर ने मात्र हृदय की भावनाओं का तथा बच्चे की सभी विशेषताओं का वर्णन किया है। बच्चे क्या सोचते हैं, क्या अनुभव करते हैं तथा क्या क्या अटखेलियां दिखाते हैं, नटखटपन दिखाते हैं, इन सब का सूर का काव्य एक विश्व काव्य है। बच्चों की कोई ऐसी व्रति या विशेषता नहीं छूटी जिसका वर्णन सूर ने अपने काव्य में न किया। सूरदास ने बाल मनोविज्ञान तथा बाल लीला का जैसा स्वाभाविक वर्णन किया है वैसा अन्य किसी कवि ने नहीं किया। हम इनके बाल चित्रण को देखते हुए सबसे पहले लेते हैं शिशु रूप का वर्णन कि सूरदास ने शिशु रूप में श्री कृष्ण का वर्णन किस प्रकार से किया है। सूर ने बालक कृष्ण का उनके जन्म के समय से ही वर्णन किया है। बालक कृष्ण के जन्म पर यशोदा और नंद के घर बधाइयां देने वालों की भीड़ लग गई। सभी बालक कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हैं और उसे लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। उन्हें कृष्ण को देखकर अपना जीवन सफल प्रतीत होता है और कहता है सूरदास, आज हूँ गृह नंद महर में बधाई, प्रातः समय मोहन मुख विरखत कोटि चंद्र सविपाई, मिली ब्रज नागरी मंगल गावती नंद भवन में आई। इस प्रकार से मंगल का गीत गाती हुई ब्रज की नारियां जो हैं वह नंद बाबा के घर आ रही है और बधाइयां दे रही हैं और कृष्ण की छवि को देखकर आनंदित हो रही है। माता यशोदा अपने बालक को सब प्रकार से सुख पहुंचाने का ध्यान रखती हैं, वह उसे पालने में दुलाती हैं, तो कभी बालक अपने पलक बंद कर देता है और कभी होठ फड़फड़ाने लगता है। और सूर कहता है, जसोदा हरि पालने झुलाओ। ये था शिशु रूप का वर्णन। अब कृष्ण के बाल सौंदर्य का चित्रण भी सूरदास ने किया है। शिशु से थोड़ा बालक बन गया है। बच्चों में प्राकृतिक रूप से ही एक विशेष सौंदर्य होता है जो बरबस ही बड़ों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। बच्चों के मन या बच्चों के अंग जो हैं कोमल होते हैं
और उनकी अस्त-व्यस्त वेशभूषा भी उनके सौंदर्य को और बढ़ा देती है। इसी आकर्षण के कारण गोपिकाएं बालक कृष्ण की छवि को देखकर आनंद मग्न हो उठती है। क्या कहती हैं? शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। कि कृष्ण हैं मक्खन हाथ में लिए हुए बड़े सुशोभित हो रहे हैं, घुटनों पर बल चलते हैं, मुख पर दधि का लेप है, चारु कपोल गाल उनके बहुत सुंदर हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं और शरीर पे कहीं कहीं रेत भी लगी हुई है। तीसरी विशेषता आती है इस स्पर्धा का भाव। बच्चों में एक दूसरे को देख करके स्पर्धा का भाव भी रहता है। बालक कृष्ण बलराम की चोटी को लंबी और अपनी चोटी को छोटी देखकर माँ से कहता है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। यहाँ स्पर्धा का भाव है कि मेरी चोटी तो बिल्कुल छोटी है और बलराम की बड़ी है, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी, तू तो कहती बल्कि बेनी जो है वे लामी मोटी। तो इस प्रकार से सूरदास ने बालक कृष्ण के स्पर्धा के भाव को भी काव्य में वर्णन किया है। फिर बच्चों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है और यहाँ पर भी कृष्ण का झूठ बोलने का स्वभाव है। बच्चे पहले तो कोई शरारत कर बैठते हैं और फिर दंड की आशंका रहती है तो वह झूठ बोलते हैं। कृष्ण के माखन चोरी करते पकड़े जाने पर उनकी शिकायत किए जाने पर माँ यशोदा से कृष्ण कहता है, क्या कह रहा है, मैया मैं नहीं माखन खाया, कि मैंने माखन नहीं खाया है। ख्याल परे ये सखा सभी मिली मेरे मुख लपटाए, कि मजाक करते हैं और ये सब जो मेरे मित्र हैं ये मेरे से बड़े हैं और मजाक मजाक में ये मेरे मुख को मक्खन से लपेट देते हैं, इसलिए मुख पे लगा हुआ मक्खन आपको दिखाई दे रहा है लेकिन मैंने माखन नहीं खाया। फिर देखिए एक प्रवृत्ति अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है। बड़ों को देखकर छोटा है वैसा ही कार्य करने लगता है, तो ये प्रवृत्ति भी बालकों में रहती है। बच्चे दूसरे बड़े बालकों को कुछ करता देखते हैं तो वे भी वैसा ही करने लगते हैं। बालक कृष्ण साथ के बच्चों को गाय चराते देखते हैं तो उनकी भी इच्छा होती है कि मैं भी गाय चराने जाऊं। वे माँ से कह उठते हैं कि मैया हूँ गाय चरावन चाहूँ, कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा क्योंकि दूसरे बच्चे भी गाय चराने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक अनुकरण की प्रवृत्ति भी बच्चों में होती है और कृष्ण में भी थी और सूर्य ने बखूबी भी उसको वर्णित किया है। फिर आती है हठ की प्रवृत्ति। बालक जिद्दी होता है, हठी होता है, किसी चीज को लेकर के वह हट कर लेता है और जब तक वह उसको नहीं मिलती है तब तक वह उसी के लिए तड़पता है, हट करता है, रोता है, बिगड़ता है, मचलता रहता है। बच्चों में जब किसी चीज को पाने की इच्छा होती है तो वे उसे प्राप्त करके ही संतोष करता है या चैन की सांस लेता है। उस वस्तु के न मिलने पर वे हट करने लगते हैं। बाल हट और त्रियाहट प्रसिद्ध भी रहा है। बालक कृष्ण जब आकाश में चंद्रमा को देखते हैं तो उन्हें यह अच्छा लगता है, चंद्रमा उन्हें अच्छा लगता है, वे उसे देने के लिए माँ से हट करते कि माँ मुझे वह चंदा मामा चाहिए, इसके लिए हट कर बैठता है और रोने लगता है। इस प्रसंग में सूरदास ने किस प्रकार से अपने काव्य में वर्णित किया है, मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूँ,
जे हो लोटी धरनी पर अभी तेरी गोद न ए हो कि हे माँ मैं तो ये चंद्रमा का खिलौना ही लूंगा और मैं इसी खिलौने से खेलूंगा। जब तक ये चंद्रमा रूपी खिलौना मेरे इस धरती पर नहीं आएगा, मेरे को नहीं मिलेगा, तब तक मैं मैया तेरी गोद में नहीं आऊंगा। नाराज हो गया ऐसा। फिर देखिए एक गुस्से का भाव होता है, जब सफलता नहीं मिलती है तो आदमी खिसिया जाता है, तो कृष्ण भी कभी कभी खिसिया जाते थे और खिसियाने के बाद में सूरदास ने उसका वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। बच्चे अपने मन को रुतने वाला काम करते हैं, उनको अच्छा लगता है वही कार्य करते हैं, उसमें बाधा पड़ने पर या असफल रहने पर वे कई बार खिसिया जाते हैं, असफल हो जाते हैं या उसके बीच में कहीं रुकावट आ जाती है तो गुस्सा करते हैं। बालक कृष्ण बच्चों के साथ खेलते हुए हार जाते हैं तो ऐसा ही करते हैं, खिसिया जाते हैं। क्या कहते हैं, खेलत में को काते गुसैया, हरि हारे जीते सुदामा बरबस ही कत करत रिसैया। कि यहाँ खेल खेल में कौन किससे बड़ा होता है, कोई किसी से बड़ा नहीं होता है। हरि हारे जीते सुदामा, कृष्ण हार गए सुदामा जीत गए, बरबस ही कत करत रिसैया, और आप अनायास ही गुस्सा कर रहे, इसमें क्या, हार जीत तो होती रहती, लेकिन हार जीत में कभी, खेल खेल में कभी कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। वे कभी कहते हैं कि मैया मैं गाय चराने अब नहीं जाऊंगा, कभी कभी गाय चराने के लिए जिद करता है और कभी कभी कहता है मैं अब नहीं जाऊंगा। सारे ग्वाल मुझसे ही गाय गिरवाते हैं, खुद तो बैठे रहते हैं कदम की छाया पे और मुझसे कहते हैं कि तुम दूर दूर गाय जो चरने चली गई उनको वापस ले आओ, भेज के ले आओ, जिससे मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। ठीक है, मैया मैं न चरे हूँ गाय, मना कर देते हैं कि मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, पहले तो जिद कर रहा था मैया हूँ जाए गाय चराऊ न जे हूँ कि मैया मैं तो गाय चराने के लिए जाऊंगा, लेकिन अब जो है वह दूसरे दोस्तों से खिसिया गए हैं, गुस्सा कर गए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिंगरे ग्वाल गिरावत मोसू, सभी ग्वाल हैं मेरे से गाय गिरवाते हैं, मेरे पाँव प्यार, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो सूरदास ने कृष्ण के बाल सुंदरी का चाक्षुक वर्णन किया है। सूरदास ने बाल रूप के रूप में या बाल रूप के वर्णन में सरलता का परिचय दिया है। उनका वर्णन ऐसा लगता है मानो स्वयं सूर्य ने उपस्थिति देकर बालक कृष्ण की क्रियाओं को अपनी आंखों से देखा कि स्वयं वहां उपस्थित रहे हो और उसकी क्रियाओं को उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। उनका वर्णन बड़ा मनोहर है, विश्वसनीय है और स्वाभाविक है। ऐसा लगेगा पढ़ने पर कि वास्तव में जिस प्रकार से बालक क्रियाएं करता है, हट करता है, बालक का जैसा सौंदर्य होता है कि धूल से लिपटा हुआ और कपड़े भी अस्त व्यस्त पहने हुए, उसमें वो बालक इतना सुंदर दिखता है, वैसा स्वाभाविक वर्णन और विश्वसनीय वर्णन सूर्य ने किया है। ऐसे वर्णन से सूर्य की अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय मिलता है। उन्होंने जो बात जिस ढंग से प्रस्तुत की है उसे उसी रूप में प्रस्तुत करने में वे सफल भी रहे हैं। बाल लीलाओं का सूक्ष्म से सूक्ष्म अंकन करने से उनका वर्णन बाल स्वभाव एवं बाल मनोविज्ञान के अनुसार अत्यंत ही आकर्षक बन पड़ा है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सूर्य के बाल चित्रण को यहीं समाप्त करते हैं। हमने आज बालक के विभिन्न रूपों का वर्णन पढ़ा है, जिसमें शिशु रूप में चित्रण बालक का, बाल सुंदरी का चित्रण, बालक में स्पर्धा का भाव होता है उसका चित्रण,
फिर बालक में अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलने का स्वभाव होता है, उसका वर्णन। फिर हमने अनुकरण की प्रवृत्ति, यानी बड़ों को देख करके वह बालक भी वैसा ही कार्य करने लगता है, उसका वर्णन। फिर बालक में किसी चीज़ को लेकर के हट की भावना होती है, प्रवृत्ति होती है, तो उसको। और फिर बालक जो है खेल खेल में अपने साथियों से हार जाता है और उससे खिंचा जाता है, गुस्सा करता है, क्रोधित हो जाता है, तो उसका वर्णन हमने पढ़ा है। अगला टॉपिक हम सूरदास के काव्य सौंदर्य को या काव्यगत विशेषताओं को लेकर के करेंगे। आपको मेरा यह बाल सौंदर्य का विवेचन कैसा लगा, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।